राधे, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, कैसे हो आप लोग। गले में हो रही है बहुत दर्द, क्योंकि मैंने बताया था आपको मुझे हो रही है खांसी, और यहाँ पर मैं बना रही हूँ अपने लिए अदरक वाली चाय। और अभी हो रहा है सुबह का टाइम, चार्जर लेके आ गई, मोबाइल में चार्ज नहीं है तो उसको मैं चार्ज लगाऊंगी। और अभी हमारे वहाँ गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, पर फिर भी मुझे रात में ना इतना गले में दर्द हो गया था, और मैंने फिर उठकर गर्म पानी पिया, तब जाकर मुझे थोड़ा नींद आई। और उठते ही मैं थोड़ा चाय पी लेती हूँ, ताकि मैं आने के कारण बन गई है। और यहाँ पर बाहर हो रहा है बहुत अच्छा मौसम, अभी चल रही है हवा, और मैं पी लेती हूँ चाय, क्योंकि आगे मुझे बहुत सारे काम करने हैं, झाड़ू पोछा भी करना है, उसके बाद नहाना है, स्कूल को तैयार होना है। मेरी आवाज़ थोड़ा सा अजीब सी हो रही है, तो इसको पहले ठीक कर लेती हूँ, फिर करती हूँ आपसे बातें हैं। तो चाय पीने के बाद मैं आ गई हूँ बाहर पीछे वाले आंगन में झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर मैं शाम के टाइम में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ, तो यहाँ पर जो है बहुत सारा कूड़ा हो जाता है, और वैसे भी हवा के साथ कूड़ा बहुत उड़ के आ जाता है, तो उसको भी मैं थोड़ा सा यहाँ पर झाड़ कर पोछा लगा दूँगी। और अंदर भी मैं झाड़ू पोछा करते हुए आ रही हूँ, और अभी पीछे के आंगन में आ गई थी, तो मैंने सोचा ये मेरे बच्चों को मारने के लिए, डराने के लिए मैंने स्टिक रखी है, दो दो एक भी नहीं, क्योंकि वो पढ़ते नहीं है, तो मुझे ये दिखाकर उनको थोड़ा डराना पड़ता है, तभी वो जो है पढ़ते हैं और याद भी करते हैं। क्योंकि जब मैं उनको कोचिंग देती हूँ, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो लर्न भी करें और टेस्ट में अभी अच्छे मार्क्स लेके आए। तो इसी तरीके से जो है मैं यहाँ पर फटाफट से झाड़ू लगा लूँगी, हवा चल रही है तो कूड़ा उड़कर ऊपर कोई आ रहा है, जहाँ पर झाड़ू वहीं पर कूड़ा आ जा रहा है, इसलिए मैं बैठकर झाड़ू लगा रही हूँ, ताकि एक लंबे हाथ से झाड़ू मारूँ और कूड़ा जो है फटाफट से नीचे को गिरा दूँ। क्योंकि हम ऊपर दो मंजिले में रहते हैं, तो हमें ज़्यादा कूड़ा उड़ के आता, देख सकते हैं आप कितना धूल निकल रहा है, ये सब धूल इधर उधर से उड़ के आती है। फटाफट से झाड़ू लगा लूँगी, और सुबह सुबह मुझे अपने हाथ इतने तेज़ चलाने पड़ते हैं जैसे कि मशीन चलती है, क्योंकि अगर मैं देर करूँगी तो काम रह जाएगा तो मुझे लेट हो जाएगा। और यहाँ पर जो है फटाफट झाड़ू लगा लेते हैं, वूमन के लिए चाहे वर्किंग वूमन हो चाहे हाउस वाइफ हो, दोनों को ही अपने काम फटाफट तेज करने पड़ते हैं, क्योंकि किसी के छोटे बच्चे होते हैं, कोई बाहर काम करने जाता है, कोई घर में सास ससुर के साथ रहता है, तो यहाँ पर मैं अकेली भी रहती हूँ और बच्चे भी साथ में रहते हैं, तो बच्चे भी कॉलेज जाते हैं स्कूल जाते हैं, तो उनको भी देखना पड़ता है, और खुद भी स्कूल जाओ तो उनको भी देखना पड़ता है, और घर की साफ़ सफाई करनी तो बहुत ज़रूरी होती है, नहीं तो घर गंदा रहेगा तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर जो है मैं पोछा लेके आ गई हूँ अंदर से, यहाँ पर मैंने एक कपड़ा बनाया है पोछे का, तो फटाफट से मैं उसको धो लेती हूँ। और यहाँ पर गमले रखे हुए हैं, उसका पानी भी जो गिरा नीचे मैं नहीं डालूंगी, गमले में डाल दूंगी, तो इससे क्या है गमले में भी पानी चले जाएगा। और फटाफट से मैं यहाँ पर पोछा लगा लेती हूँ, बहुत धूल हो जा रही थी तो सफाई से मुझे पोछा लगाना पड़ेगा, क्योंकि लगाओ आज लगाओ, अभी शाम को मैं स्कूल से आऊँगी तो फिर वैसे ही हो जाएगा, पर कोई बात नहीं, हमें काम तो करना ही पड़ेगा, अगर गंदगी को देखते रहेंगे तो फिर काम रह जाएगा। तो फटाफट से झाड़ू लगा लेते हैं, उसके बाद मुझे नहाना भी है और आगे के और भी काम करने हैं। तो ये देखिए फटाफट से पोछा लगा लेते हैं, अंदर मैं झाड़ू पोछा करके आ गई हूँ, ये मेरा पीछे की तरफ का आंगन है, तो फटाफट से इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। और मैं अभी स्कूल जाऊंगी, वहाँ पर भी मुझे बहुत सारा काम है, और वहाँ मुझे रजिस्टर का काम भी करना है, और बच्चों को भी देखना है। आज मैं जो है 1 मई स्टार्ट हो गया, तो अप्रैल मंथ का मुझे रजिस्टर भी क्लोज करना है, पूरे मंथ में जो बच्चे प्रेजेंट है एब्सेंट है वो पूरी हाल बना लिए हैं, लगा लेते हैं थोड़ा सा सिंदूर और लिपस्टिक, फिर चलते हैं स्कूल को। मेरी लिपस्टिक जस्ट अभी मिलती हूँ आपसे, रेडी लगा लिया है बिंदी लिपस्टिक सिंदूर, और हो गया मेरा स्कूल जाने का टाइम, तो प्लीज़ ब्लॉग पर बने रहना, और मिलते हैं अब आपसे आगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं तैयार मैं हो गई हूँ, बस आने वाली है, ज़्यादा काम मैं मॉर्निंग में कर नहीं पाती हूँ, क्योंकि मुझे लंच भी तैयार करके जाना पड़ता है, कभी कभी मैं दाल बना लेती हूँ और चावल में आकर बनाती हूँ, अगर मुझे रोटी सब्जी बनानी है तो सब्जी बनाकर जाती हूँ और आकर मैं रोटी बनाती हूँ, क्योंकि आजकल तो जुकाम हो रहा है, खांसी भी हो रही है, तो ज़्यादातर रोटी बन रही है, चावल कम बन रहे हैं, पर फिर भी बच्चे मानते नहीं है, उनको चाहिए चावल और दाल, तो बनाना ही पड़ता है, बच्चों के अकॉर्डिंग भी चलना पड़ता है और अपने को भी देखना पड़ता है, तो अपने लिए बना लेती हूँ रोटी और बच्चों के लिए बना लेती हूँ दाल चावल, और मैं खा लेती हूँ दाल रोटी। तो यहाँ पर जो है आपसे बातें करने के बाद आ गई हूँ मैं, अब लगा लेती हूँ चैनल में ताला, क्योंकि हो गया मेरा स्कूल का टाइम, पर्स भी मैंने बाहर रख दिया था, पर्स भी टांग लेते हैं, और फटाफट बैग को अपना देखते हैं इसमें क्या है क्या नहीं है, और दुपट्टा लेना बहुत ज़रूरी है, तो दुपट्टा भी ले लेते हैं, आई कार्ड मैंने पहन लिया, दुपट्टा मैंने गले में डाल लिया, और पर्स को भी टांग लेते हैं, चलते हैं अब स्कूल को। तो देखिए आगे मेरा स्कूल, टुडे इज फर्स्ट मे हो गया बेटा, मे यहाँ पर हम 4 लिखते थे ना, अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, 5। आज से ये पीरियड कौन सा है अभी हमारा, ईवीएस, नंबर 1 बेस्ट, बेस्ट में फिर करेंगे।
Join your hands. Don't clap. Close your eyes. Now start. Open eyes, hands down, and sit down. Eat lunch without voice. बिना आवाज के आपको अपना लंच खाना है. Now this is your homework. ये मैं आपको अभी WhatsApp में भेज दूंगी. ठीक है? ये आपको क्या करना है? Learn. 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 Learn करना है. Ready? ये दो पार्ट में भेजूंगी मैं आपको. पहला है कंप्यूटर PARTS parts NEMA. ये आपको फर्स्ट में लर्न करना है. लर्न कंप्यूटर पार्ट्स में CPU ये बहुत जरूरी है. ठीक है? और ये मशीन से लेना है. कंप्यूटर एक मशीन है जो लाइट से चलती है. लाइट से चलता है कंप्यूटर? लाइट चलने से कंप्यूटर चलता है? वर्क करता है? नो. एसी कंप्यूटर एसी वर्क करता है विदाउट लाइट? नो. बच्चों को पढ़ाने के बाद हो गई हमारी छुट्टी. हम बैठे हैं अभी बस में और चलते हैं घर की ओर. एक बजने वाला है तो ये बस में सारे बच्चे बैठे हैं. यहाँ पर बच्चों का स्टॉप आ गया था तो कुछ बच्चे यहाँ पर उतर रहे थे और हमको अभी जाना है आगे. तो ये देखिए यहाँ पर मैं पहुँच गई हूँ घर. घर पहुँचते ही मेरा इंतजार कर रहा है मेरा खोखो. जैसे दरवाजा खुले और मैं जाऊँ अंदर. घर पहुँचने के बाद खोल लेते हैं ताला. चलते हैं अंदर और पकाते हैं खाना. बहुत थक जाते हैं. खाना भी बनाना है अभी. बच्चे भी आ जाएंगे और साथ में देखो ये इसको हो रही है कब दरवाजा खुले और कब मैं अंदर भागू. देखो और ये भागा. ये तो अंदर पहुंच गए हैं. करते हैं अब आगे का काम. तो यहाँ पर मैंने कढ़ी बना ली है और चावल रख दिए हैं. सब्जी मेरी बन के तैयार है. सुबह बना के गई थी मैं सब्जी को. वो भी मैंने बना ली है और कढ़ी बन रही है. चावल बन रहे हैं. अब ब्लेज बनाऊंगी दो रोटी क्योंकि मुझे हो रही है खांसी. मैं खाऊंगी रोटी. खांसी होने के कारण मुझे दिन में एक काम बढ़ जाता है. रोटी बनानी पड़ती है तो कढ़ी को साइड रख देते हैं. चावल में अभी सीटी नहीं आई है. बना लेते हैं अपने फटाफट से. दो रोटी. दो ही रोटी बनाऊंगी. ज़्यादा नहीं बनाऊंगी क्योंकि सब्जी भी है और एक कटोरा कढ़ी ले लूँगी और सब्जी ले लूँगी. दो रोटी ले लूँगी तो बहुत हो जाता है दिन का लंच. और सलाद भी ले लूँगी साथ में. तो यहाँ पर फटाफट से रोटी बेल लेते हैं. आटा जो बच गया उसको रख देते हैं फ्रिज में. और अभी मुझे कपड़े भी चेंज करने हैं. उसके बाद खाना भी खाना है. तो फटाफट से जो है किचन भी साफ कर लेते हैं. चुकंदर मैंने आपको दिखाया था. मेरे गार्डन में चुकंदर हो रहा है तो मैं ये उखाड़ के लाई थी. तो उसको काट लेती हूँ. देखिए चुकंदर से ऐसा निकलता है लाल लाल सा. देखने में थोड़ा अच्छा लगता है. पर ये चुकंदर जो है हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है. बना दिए फटाफट से. मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ. खाती हूँ खाना. मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में. तो कपड़े चेंज करके मैं आ गई. यहाँ पर मैंने जो है मैक्सी डाल लिया क्योंकि गर्मी हो रही है. सूट मैंने पहना नहीं है. तो खाना मेरा बन गया. अब मैं खाती हूँ खाना. कपड़े चेंज भी कर लिए. खाना भी बना दिया है. और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में. तो बताना आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना. और तब तक के लिए बाय बाय.